हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल। एज यू नो, मैं हूँ ममता। आज मैं आपको छोले के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। ये जानकारी बहुत ही आश्चर्यजनक है। आप क्या खा रहे हैं, आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है और क्या नुकसानदायक, इसी तरह की चीज़ें लेकर मैं आती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, आज मैं आप जिस छोले के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, भारतीय व्यंजनों में छोले बहुत पसंद किए जाते हैं। कोई भी आयोजन हो, छोले की एक या दो डिश जरूर होती हैं। छोले खाने में जितने स्वादिष्ट होते हैं उतने ही पौष्टिक भी होते हैं। छोले में फाइबर, जी हाँ, ये काबुली छोले हैं, इनमें फाइबर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। आमतौर पर छोले को एक फ़ायदेमंद आहार और स्वादिष्ट के रूप में ही देखा जाता है। अगर आप त्वचा, बाल, स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो छोले के बहुत से फायदे हैं। आपकी स्किन पर झुर्रियाँ नहीं आने देता। इसे फेस पैक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे फेस क्लिंजर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दाग धब्बे को दूर रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। त्वचा संक्रमण को दूर रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ल्यूकोडर्मा की रोकथाम में भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और चेहरे पर बाल ना कम करने के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद, बालों को मजबूत करता है और डैंड्रफ को रोकता है। जी हाँ, भूख पर काबू पाने के लिए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। सलाद के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये खनिज लवणों से भरपूर है और सेल्युबल फाइबर से युक्त है। नींद अच्छी आती है इसे खाने से। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है और दिल से जुड़ी बीमारियों को भी दूर रखता है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, आयरन की पूर्ति के लिए, मैग्नीज की ज़रूरत को पूरी करने के लिए, कैल्शियम का बेहतर माध्यम है, फॉलिक एसिड की आपूर्ति के लिए और मधुमेह को नियंत्रित करता है। वजन घटाने वालों के लिए एक बेहतर विकल्प है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से ये डायबिटीज मरीजों के लिए भी अच्छे होते हैं। महिलाओं में हार्मोन्स को स्तर को नियंत्रित करता है। ये छोले में फाइटोन्यूट्रिएंट्स का अच्छा स्रोत होता है। छोले ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम करते हैं। इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स का ब्लड लेवल मेंटेन करके ऑस्टियोपोरोसिस से बचाते हैं। दिल को स्वस्थ रखता है। छोले में मजबूत मैग्नीशियम और फोलेट रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाने और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिस वजह से ये वजन घटाने वालों के लिए एक अच्छा विकल्प है। ये आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता। शाकाहारियों के लिए ये प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। एनीमिया से भी बचाता है क्योंकि इसमें एक आयरन का भी अच्छा स्रोत है। एनीमिया यानी खून की कमी, जी हाँ, इससे आप बच सकते हैं। जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, मासिक धर्म में महिलाओं को सेवन इस सब का सेवन करना चाहिए। ये आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिस वजह से यह डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये खून में धीमी गति से ग्लूकोज जारी रखता है और आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। इसके घुलनशील फाइबर, प्रोटीन और आयरन के शुगर लेवल को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इसमें मौजूद हाई फाइबर, जी हाँ, ये जो हाई फाइबर होता है ये आपके पाचन संबंधी समस्याओं को, परेशानियों को बचने में, पाचन तंत्र और आंत को सही रूप से मदद करने में, उच्च प्रोटीन, फाइबर, खनिज, विटामिन आदि कब्ज जैसे रोगों को खतरा को कम करता है। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने का ही काम करता है। छोले में हाइपरटेंशन से पीड़ित लोगों की रक्त वाहिकाओं में होने वाले परिवर्तन को विपरीत करके ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं और पोटेशियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का उचित संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। छोले को वैज्ञानिक रूप से साइसर एरिटिनम कहा जाता है। काबुली चना एक फली है जो फैबेसी परिवार के अंतर्गत आता है। इसे बंगाल ग्राम में गार बंजो बीन्स और मिश्र में मटर के रूप में भी जाना जाता है। काबुली चना प्रोटीन से भरपूर होता है, इसलिए अधिकतर लोग इसका सेवन करते हैं। छोले के मुख्य दो प्रकार होते हैं, देसी और छोटा होता है, काला चना होता है, देसी होता है जो, और ये सफ़ेद चना होता है, ये होता है काबुली छोले। इसमें लोहा, फास्फोरस और मैग्नीशियम, तांबा, जस्ता शामिल है। इसका मतलब यह है कि ये बीन्स, काबुली चने हड्डियों को स्वस्थ के लिए काफ़ी लाभकारी है। मैग्नीज होने की वजह से ये ऊर्जा प्रदान करता है और मुक्त कण को नष्ट करता है। मुक्त कणों के कारण झुर्रियां पैदा हो सकती हैं। सफ़ेद चने की मौजूदगी विटामिन बी कोशिकाओं के लिए ईंधन का रूप का कार्य करती है, जिससे झुर्रियों नहीं पड़ती जल्दी। इसका प्रयोग चेहरे पर भी कर सकते हैं। उबले हुए चने के साथ आप कस्तूरी हल्दी मिलाकर इसका उपयोग चेहरे पर लगाने के लिए, दाग धब्बों को दूर करने के लिए, एंटी एजिंग का काम करता है।
सेवन से बालों का झड़ना रोका जा सकता है। इसमें मौजूद मैगनीज जो है बालों को मजबूत करता है। मैगनीज बालों की कमी में वृद्धि को धीमा कर सकता है। छोले में पाए जाने वाला विटामिन ए जस्ता रूसी को नष्ट करते हैं। आप मैश करके छोले के 6 स्पून पानी में मिक्स करके सर पर लगा सकते हैं। इससे 15 मिनट के बाद सर धो लें। छोले में मौजूद जस्ता बालों को कमजोर होने से रोकता है। छोले में बीटा कैरोटीन का उच्च स्तर पाया जाता है। आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, मददगार साबित होता है। इसके अलावा जो जस्ता आंखों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, ये विटामिन ए और लीवर से रेटिना तक ले जाने में मदद करता है। जिंक से परिपूर्ण होने के कारण सफेद चना मैक्यूलर डिजनरेशन को रोकने में मदद करता है। अवस्था में चने बहुत ही फायदेमंद है। इसमें फोलेट पाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ही इसमें फाइबर, प्रोटीन, लोहा, कैल्शियम शामिल होते हैं। ये सभी पोषक तत्व गर्भावस्था के दौरान अधिक आवश्यक होते हैं। फोलेट गर्भावस्था के दौरान सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। माँ और भ्रूण के स्वास्थ्य के लिए यह अनिवार्य है। यह न्यूरल ट्यूब दोषों को जन्म के समय वजन कम कर जोखिम को कम करता है। में पता चला है कि एक हफ्ते तक सफेद चने का कम से कम 4 सर्विंग का सेवन करने से सूजन की संभावना को कम किया जा सकता है। यह चयापचय में काफी सुधार ला सकता है। काबुली चने में अन्य पोषक तत्व विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी 6, फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम, सेलेनियम और लोहा पाए जाते हैं। ये सब तत्व तो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। लाभ के बावजूद प्यूरिन नामक यौगिक भी होते हैं जो शरीर में यूरिक एसिड द्वारा टूट सकते हैं। यदि आप गुर्दे की पथरी या पित्त गठिया जैसे पीड़ित हैं तो आप इसके सेवन से बचें। अधिक सेवन आपकी पथरी को बढ़ा सकता है। बहुत जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत छोटा बनाया है मैंने आज। लोग कहते हैं कि बड़ा वीडियो देखने में समस्या होती है, देखा नहीं जाता। मैं आपसे फिर यही कहूँगी कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। जी हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी और भी चीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।